हेलो दोस्तों, तो देखिए आज मैं आपको यह है कंदा कंदा का भरता बना के बताने वाली हूँ। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम अच्छी तरीके से धो लेंगे। देखिए इसमें मिट्टी लगा हुआ है, इसे पानी से धोकर साफ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कुकर में उबालेंगे। तो देखिए मेरा कंदा है जो सीझ चुका है, देखिए अच्छी तरीके से। अब इसे हम क्या करेंगे, इसका छिलका है देखिए इस तरीके से, छिलका सारे छिलका को हटाकर इसे हम जैसे भरता बनाते हैं आलू का, उस तरीके से इसे हम चूर देंगे। इस तरीके से हम सारे को चूर दिए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हमें रखना होगा उसमें हम सारे को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए इसे हम एक कटोरी में कर लिए हैं। अब इसमें हम क्या करें डालेंगे, तो यहाँ देखिए ये अदरक है और लहसुन की 2 कलियाँ हैं जिसे हमने बारीक काट ली हैं। 2 हरा मिर्च है, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसके टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। तो देखिए डाल दिए हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, जितना आपका भरता होगा उस हिसाब से हम अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डालेंगे। और क्या करेंगे, इसमें आप तेल, सरसों का तेल डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, इस तरीके से इसमें तेल डालेंगे और इसे बढ़िया से हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इतना तेल देने के बाद भी मेरा ये भरता है जो भी हार्ड लग रहा है, इसको हमें सॉफ्ट करना है, तो इसमें थोड़ा हम और तेल डालेंगे। तेल डालने से ये आप 8 दिन 10 दिन आराम से रख के खा सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। तो देखिए फिर इसे हम मिक्स करेंगे। कि हम इसे मिक्स कर लिए हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, नींबू डालेंगे, आधा नींबू डालेंगे। देखिए इस तरीके से नींबू डाल के हम इसे भी मिक्स करेंगे। ये नींबू हम इसमें डाल दिए हैं और इसे हम मिक्स कर दिए हैं। तो ये मेरा भरता बन के रेडी हो चुका है। आप इसमें अपने अनुसार अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर मिर्चा कम खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें आप खट्टा या मिर्चा कर सकते हैं। जैसे इसमें नींबू हमने आधा गाड़े हैं, आप एक भी गाड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरा भरता बन के तैयार हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि भरता कैसा लगा।